गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग वो हैंड वॉशिंग जनरली जो होता है वो दो टाइप का होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग तो सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं हैंड वॉशिंग मेडिकल हैंड वॉशिंग देखेंगे इंट्रोडक्शन हैंड वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी सेटिंग इंक्लूडिंग हॉस्पिटल इट इज़ एन इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स एज़ इट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैंड वॉशिंग क्या है एक आ, के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ठीक है हॉस्पिटल uh, के हॉस्पिटल का या फिर किसी भी सेटिंग्स में हम लोग देखते हैं तो हैंड वॉशिंग क्या होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है इट इज़ एन इनफेक्ट क्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर ये क्या है एक टाइप का इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स है जो क्या करता है प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ठीक है हैंड वॉशिंग के थ्रू हम लोग हैंड वॉशिंग जो है वो हर हॉस्पिटल्स में या फिर जनरली भी देखेंगे तो डेली बेसिस में हम लोग क्या है? follow करते हैं उसको फॉलो करते हैं ठीक है तो ये क्या करता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसको क्या करता है स्प्रेड होने से वो कंट्रोल करता है या फिर उसको बचाता है ठीक हैंड हाइजीन इज़ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हैंड हाइजीन क्या है बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट वे है जिससे हम लोग क्या करते हैं इन्फेक्शन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं यू यूज़ योर हैंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी थिंग सो दैट दे आर इजली गेट कंटामिनेटेड ठीक है हम लोग अपने हाथ को यूजअली हर चीज़ों में यूज़ करते हैं हमारा हैंड जो है वो क्या है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का बिना हम लोग हमारे हैंड के हम लोग कोई भी वर्क हमारा नहीं कर सकते तो हम अपने हैंड को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है किसी सरफेस से हो गया किसी तहग से हो गया किसी भी चीज़ से क्या होता है हमारा हाथ ईजिली कंटामिनेटेड हो जाता है तो ये क्या करता है अगर हम लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं था 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 था, तो वो उस चीज़ को क्या करता है कंट्रोल करने में मदद करता है अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन हैंड वॉशिंग आल्सो नोन एज हैंड हाइजीन इट इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव वायरस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म डर्ट ग्रीस और अदर हार्मफुल अनवॉन्टेड सब्सटेंस स्टक टू हैंड हैंड वॉशिंग और क्या बोलते हैं हम लोग हैंड हाइजीन भी बोलते हैं ये एक टाइप का एक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं हैंड को वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप और वाटर ठीक है वाटर और सोप से हम लोग क्या करते हैं हैंड को वॉश करते हैं ये क्या करता है रिमूव करते हैं वायरस बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म डर्ट ग्रीस या फिर कोई भी अदर हार्मफुल सब्सटेंस या फिर अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारे हाथ में रह जाते हैं उसको वो क्या करता है रिमूव करता है ड्राइंग ऑफ द वॉश्ड हैंड इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एज वेट एंड वॉस्ड हैंड आर मोर इजली कन ठीक है ड्राइंग हाथ को हम लोग को ड्राइंग करना ठीक है हैंड वॉश आफ्टर हैंड वॉश हम लोग को क्या है हैंड ड्राइंग करना भी इम्पोर्टेंट है ये एक पार्ट है इस प्रोसेस का या फिर इस प्रोसीजर का एक पार्ट है जो क्या होता है हैंड जो हमारा वेट हैंड रहता है या फिर मॉइस्ट हैंड रहता है वो क्या रहता है ईजली वो क्या होता है रिकनटामिनेटेड हो सकता है इसलिए हम लोग हैंड वॉशिंग आफ्टर हैंड वॉशिंग वी हैव टू तो ड्राई अवर हैंड ठीक नेक्स्ट है मेडिकल हैंड वॉशिंग मेडिकल हैंड वॉशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथड इन कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ठीक है <clears throat> medical hand washing kya hai? it is an important method in controlling and preventing the spread of infection it control the spread of infection and prevent the infection it will help to prevent nosocomial infection and even protect the nurse and other health professionals from possible hazards medical hand washing helps to prevent nosocomial infection and what is nosocomial infection it is a cross infection it get uh, the um, uh, what we can say that infection can spread easily to one person to another person or one thing to another person it is a cross infection or uh, it help to prevent nosocomial infection even it protect also the nurses and the other health uh, health professionals from the possible hazards the next purpose of hand washing first to remove transient and residential bacteria from finger hand and forearm what was the purpose of hand washing is to remove the transient it can transit means from one person to another person or from one thing to another thing we can uh, the bacteria are easily transient and residential so we have to hand wash to remove Transient residential from fingers, hand and बैक्टीरिया bacteria फिंगर्स हैंड एंड फोर आर्म्स नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू पेशेंट ये क्या करता है प्रिवेंट करता है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू पेशेंट ठीक है इसमें बताया कि मतलब जैसे पेशेंट से इन्फेक्शन जो रहता है वो सबको आता है ठीक है तो हमको क्या करते है एज हम हैं लोग हैंड वॉशिंग करेंगे तो वो क्या करेगा उस चीज़ को प्रिवेंट करेगा या फिर कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन्स रहते हैं जिससे हम लोग को पेशेंट को भी आ, उस रिस्क से बचाना है अगर आपका हाथ कंटामिनेटेड है और आप ऐसे डायरेक्ट पेशेंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा ट्रांसमिशन करेगा ठीक है इन्फेक्शन को तो ये क्या करता है हैंड वॉशिंग प्रिवेंट करता है देन नेक्स्ट है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इफ इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म टू वन सेल्फ ये क्या करता है रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन को अगर इन्फेक्शन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म से किसी को तो ठीक फिर नेक्स्ट है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन एंड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन एमंग क्लाइंट ये क्या करता है क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है क्लाइंट से ठीक है फिर टू क्लीन कंटामिनेटेड हैंड कंटेमिनेटेड हैंड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं क्लीन करने के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं फिर क्यों करते हैं माइक्रो ऑर्गनी जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेज में रहते हैं हमारे हाथ में जो विजिबल नहीं होते हैं उसको रिमूव करने के लिए उसको रिड्यूस करने, करने के लिए हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं टू रिमूव डर्ट डर्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं तो ये है पर्पज़ ऑफ हैंड वॉशिंग इंडिकेशन अब देखेंगे हम लोग की कौन कौन से इंडिकेशन है जिसमें हम लोग को हैंड वॉशिंग करना चाहिए फर्स्ट वेन हैंड आर विजिबल सॉइल ठीक है अगर हम लोग को वो विजिबल है कि हमारा हैंड क्या है गंदा है ठीक है बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर अ पेशेंट हम लोग पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आने से पहले या उनका कुछ भी केयर करने से पहले और आफ्टर हम लोग को हैंड वॉशिंग करना है ठीक है आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनिक मटेरियल अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं जैसे फीसिस ठीक है वून ड्रेनेज म्यूकस तो इन सारी चीज़ों से हम लोग को क्या करना है आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनिक मटेरियल तो हमको क्या करना है हैंड वॉशिंग करना है ठीक है इन प्रिपरेशन फॉर एन इन्वेंसिव प्रोसीजर अब प्रो, इन्वेंसिव प्रोसीजर के प्रिपरेशन से पहले और आफ्टर हम लोग को क्या करना है हैंड वॉशिंग करना है सच से सक्शन कैथेटर और इंजेक्शन ठीक है फिर है बिफोर चेंजिंग अ ड्रेसिंग और हैविंग कॉन्टैक्ट विथ ओपन वुंड हम लोग को क्या है वुंड जो रहता है ड्रेसिंग करने से पहले अपना हैंड वॉश करना है ताकि अगर उनको वुंड है और अगर हम लोग ऐसे ही जाके उनको ड्रेसिंग कर रहे हैं तो हमारा जो इन्फेक्शन या फिर हमारा जो हैंड में बैक्टीरिया वायरस रहेगा वो क्या होगा ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम लोग को रिड्यूस करना है तो और हैविंग कांटेक्ट विथ ओपन वुंड ओपन वोड से भी अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है तो फिर बिफोर प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले या फिर मेडिकेशन का प्रिपरेशन करने से पहले हमको हैंड वॉशिंग करना है फिर आफ्टर रिमूविंग डिस्पोजेबल ग्लव्स डिस्पोजेबल ग्लव्स को रिमूव करने के बाद फिर स्पेशल केयर यूनिट में जैसे कि कोई नर्सरीज हो गया आईसीयू है ओटी है तो वहाँ स्पेशल केयर में हमको हैंड वॉशिंग करना रहता है ठीक है व्हेन देयर आर नोन मल्टीपल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अगर हमको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो उस उस साइड पे हमको करना है एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द शिफ्ट ठीक है बिगनिंग और एंड ऑफ द शिफ्ट में हमको हैंड वॉशिंग करना है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देर आर फाइव मूवमेंट ऑफ फॉर हैंड वॉशिंग ठीक है डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से फाइव मूवमेंट हैं हैंड वॉशिंग के पहला है बिफोर पेशेंट केयर पेशेंट केयर करने से पहले फिर आफ्टर इन्वायमेंटल कॉन्टैक्ट इन्वायरमेंटल कॉन्टैक्ट में आने के बाद फिर एक्सपोज़र आफ्टर एक्सपोजर टू ब्लड और बॉडी फ्लूड बॉडी फ्लूड और ब्लड के एक्सपोजर में आने के बाद फिर बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर ठीक है एनी प्रोसीजर करने से पहले और आफ्टर पेशेंट केयर फिर देखते हैं हम लोग कि हैंड हाइजीन क्या होता है हैंड वॉशिंग वॉशिंग हैंड विथ प्लेन सोप एंड वाटर एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग वॉशिंग हैंड विथ वाटर एंड सोप और अदर एंटीसेप्टिक एजेंट एल्कोहल बेस्ड हैंड रब रबिंग हैंड विथ एन एल्कोहल कंटेनिंग प्रिप्रेशन यूज़ आफ्टर हैंड वॉशिंग ये एक छोटा सा डेफिनेशन है हैंड हाइजीन में हैंड वॉशिंग भी आता है एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग भी आता है एल्कोहल बेस्ड हैंड रब भी आता है ठीक है तो हैंड वॉशिंग के अंदर वॉशिंग हैंड विथ प्लेन सोप एंड वाटर एंटीसेप्टिक में क्या करते हैं वॉशिंग हैंड विथ वाटर एंड सोप और अदर एंटीसेप्टिक सिसटें और एल्कोहल बेस्ड हैंड रब में क्या करते हैं रबिंग हैंड विल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन, फिर सर्जिकल एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग विथ एंटीसेप्टिक सोप और एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिफोर ऑपरेशन बाय सर्जिकल पर्सनल फिर हैंड केयर हैंड केयर में हम लोग देखेंगे हैंड वॉशिंग के टाइम पे कि आपका नेल्स बड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है शॉर्ट नेल्स है तो हम लोग हैंड uh, वॉशिंग का प्रोसीजर करेंगे फिर अगर आप रिंग्स वगैरह कुछ पहने हैं आप के हाथ में कोई भी ज्वेलरी है कुछ भी है तो आपको उसको क्या करना है रिमूव करना है हैंड क्रीम अगर आप हैंड क्रीम अप्लाई किए हैं तो पहले आप उस हैंड क्रीम को रब करेंगे उसके बाद आप फिर हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर्स में आएंगे अगर आपको कहीं पे कट या अब्रेशन है कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे हमको क्या करना है आ, उस चीज़ को ध्यान में रखना है या फिर उस चीज़ से रिलेटेड हमको अपना प्रिकॉशन लेते हुए हैंड केयर को करना है रिंग्स एंड ज्वेलरी स्टडी हैथ रिंग इज़ मोर हैविली कॉलोनाइजेशन देन कंपेरेबल एरिया ऑफ स्किन ऑन फिंगर विदाउट रिंग ठीक है इसमें क्या बताया है कि अगर आप रिंग वगैरह पहने हैं तो वो क्या करता है जो बैक्टीरिया रहता है इन्फेक्शन रहता है इनके लिए वो क्या है कॉलोनाइज करता है ठीक है जगह बनाया रहता है ताकि वो और वहाँ पर जाके बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन वहाँ रह रहे हैं जो हमको विज़िबली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं जो हम लोग को विजिबली नहीं दिखता है इसलिए हैंड वॉशिंग के टाइम पे हमको जितनी भी ज्वेलरीज है वो सबको रिमूव करना है फिर फिंगर नेल्स की फिंगर नेल्स शॉर्ट नॉट एक्सीड वन फोर्थ इंच ठीक है फिंगर नेल्स को हम लोग को शॉर्ट रखना है वन फोरथ से ज़्यादा इंच का नहीं होना चाहिए अवॉइड करना है आर्टिफिशियल नेल्स अगर हम लोग आर्टिफिशियल नेल्स यूज़ किए हैं तो उसको अवॉइड करना है नेल पेंट को रिमूव करना है तब हम लोग जाके फिर मेडिकल हैंड वॉशिंग प्रोसीज़र शुरू करना है ठीक है इसमें देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं सबसे पहला है सिंक विथ वार्म एंड कोल्ड रनिंग वाटर ठीक है फिर है टिश्यू पेपर और स्मॉल टॉयल ट्रैश कैन नेल क्लीनर सोप डिस्पेंसरी एंड सोप एंड सोप डिश फिर प्रोसीजर प्रोसीजर में देखेंगे नर्सिंग एक्शन एंड रेशनल पहला है रिमूव ऑल ज्वेलरी फ्रॉम हैंड ब्रिस्ट वॉच एंड रोल अप द स्लिवस पहले में क्या है कि जितने भी ज्वेलरीज हैं उसको रिमूव करना है ब्रिस्ट वॉच को रिमूव करना है और स्लिवस को रोल अप करना है क्यों क्योंकि ये क्या करते हैं प्रोवाइड कंप्लीट एसेस टू फिंगर वाइल हैंड वॉशिंग पूरे जगह पे हैंड को क्लीन करने में ये आ, हम लोग एसेस कंप्लीट क्या कर सकते हैं एसेस कर सकते हैं फिंगर्स को मतलब ईजली हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं ठीक है कीप फिंगर सेकेंड कीप फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड इंस्पेक्ट सरफेज ऑफ हैंड फॉर कट एंड कवर इफ़ एनी लीजन प्रेजेंट अगर हमको क्या करना है देखना है कि हमारे नेल्स शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट uh, नेल्स को रखना है उसमें क्या करना है इंस्पेक्ट करना है ठीक है अगर कोई भी हाथ में कट हुआ है कुछ हुआ है तो उसको हम लोग को देखना है और उसको पहले से ही लीजन को हमको क्या करना है कवर करना है ठीक है ओपर कट सर्व्स एज एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपका हाथ कट कट uh, है कहीं पे तो वो क्या करता है ये एक और एंट्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ठीक है फिर थर्ड है स्टैंड अवे फ्रॉम द सिंक हमको क्या है सिंक से दूर में खड़े रहना है सिंक सिंक से दूर रहना सिंक इज़ ट्रीटेड एज कंटामिनेटेड एरिया फिर फोर्थ क्या है सॉरी वो टर्न है टर्न ऑन द टैप एंड एडजस्ट द फ्लो ऑफ वाटर यूज लुक वाटर ठीक है फिर क्या करना है हम लोग को टर्न ऑन करना है टैप को और क्या करना है एडजस्ट करना है फ़्लो ऑफ वाटर को ना ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए उसको आ, हमको एडजस्ट करना है और क्या करना है लुक वॉर्म वाटर यूज़ करना है ठीक है एडजस्ट क्यों करना है टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग वाटर अगेंस्ट यूनिफॉर्म ताकि क्या करना है वाटर जो भी रहेगा वो हमारे यूनिफॉर्म में ना आ सके इसलिए हमको क्या करना है उसको एडजस्ट करना है फिर फिफ्थ है वेट हैंड्स एंड फोर आर्म्स कीप हैंड लोअर देन एल्बो ड्यूरिंग वॉशिंग ठीक है हमको क्या करना है वेट करना है हैंड को और फोर आर्म्स को और अपना हैंड जो है उसको क्या करना है लोअर करना है देन एल्बो ड्यूरिंग वॉशिंग क्यों करना है क्योंकि वाटर विल फ्लो फ्रॉम लीस्ट टू मोर कंटामिनेटेड एरिया ठीक है क्या होगा ये लीस्ट कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड एरिया में जो वाटर रहेगा वो ईजली फ्लो होगा इसलिए हम लोग को जब अपना हैंड को हम लोग बैट करेंगे फोर आर्म को तो हमको हमारे हैंड को लोअर करना है देन एल्बो मींस एल्बो जो रहेगा एल्बो का पार्ट वो अप रहेगा है और हैंड जो रहेगा है हमारा हैंड और फोर आर्म जो रहेगा वो डाउन रहेगा सिक्स्थ है अप्लाई सोप लिक्विड और बार एज पर एवेबिलिटी हम लोग को लिक्विड और बार को यूज़ करना है या फिर सोप यूज़ करना है सोप प्रमोट्स क्लीनिंग ऑफ हैंड बाय इमल्सिफ़िकेशन ऑफ ऑयल एंड डर्ट सॉयल क्या सोप क्या कर, करता है प्रमोट करता है क्लीनिंग हैंड क्लीनिंग को प्रमोट करता है बाय इमल्सिफ़िकेशन ऑफ ऑयल और डर्ट से सेवन रब हैंड पाम एंड फिंगर टुगेदर लेदरिंग थ्रोली फॉर टेन टू फिफ्टीन सेकेंड हम लोग को क्या करना है पाम और फिंगर्स ठीक है रब करना है हैंड को सोप अप्लाई कर लिए सोप अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग पाम एंड फिंगर्स से हैंड को रब करते हैं ठीक है फिफ्टीन मिनट फिफ्टीन टेन टू फिफ्टीन सेकेंड तक फ्रिक्शन एंड रबिंग विन लूजन एंड रिमूव द डर्ट फ्रॉम हैंड फ्रिक्शन हम लोग हैंड रब कर रहे तो वो क्या करेगा फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेगा तो फ्रिक्शन और रबिंग से क्या होगा विल लूजन एंड रिमूव द डर्ट फ्राम हैंड एठ एट में क्या है पे स्पेशल अटेंशन टू नकल नेल एंड थम्स हमको स्पेशल uh, अटेंशन देना है थम्स को नेल और नकल को ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बर्ड्स इन दिस एरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ रह रहते हैं ठीक है जब हम लोग हैंड वॉश करते तो यूजुअली नकल्स नेल्स और थम तो को हम लोग रब नहीं करते तो उस वजह से क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या रहते हैं वो लोग प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं और हम लोग वॉश नहीं करते हैंड हैं अच्छे से ठीक है फिर नाइन में क्या है रिंग्स हैंड एंड व्रिस्ट थ्रोली कीपिंग हैंड डाउन एंड एल्बो अप नेक्स्ट में क्या करेंगे सोप अप्लाई कर लिए हैंड वॉशिंग कर लिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो हैंड हैंड और व्रिस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे डाउन करेंगे और एल्बो को एल्बो को अप करेंगे वॉशिंग अवे डर्ट एंड माइक्रोब्स ये क्या करेगा डर्ट और माइक्रोब्स को वॉश करेगा ठीक है फिर है ड्राई हैंड ठोली विथ पेपर टॉवल और स्टाइल टॉवल फिर हम लोग को क्या करना है हैंड को क्या करना है ड्राई करना है विद द हेल्प ऑफ पेपर टॉवल और स्टाइल टॉवल पेपर बैग आर डिस्पोजेबल एंड प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन पेपर बैग क्या रहना चाहिए डिस्पोजेबल रहना चाहिए ठीक एंड प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन जो क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे डिस्कार्ड पेपर टॉवल और स्टाइल टॉवल अब क्या करना है हम लोग को डिस्कार्ड करना है ठीक है पेपर टॉवल यूज़ किए हैं या तो स्टाइल टॉवल को तो टू प्रिवेंट री यूज़ ताकि उसको क्या है रीयूज़ ना कर सकें ट्वेल टर्न ऑफ वाटर सप्लाई यूजिंग पेपर टॉवल और फुट पैडल टू प्रिवेंट कंटर्मिनेशन ऑफ हैंड हमको क्या करना है टर्न ऑफ करना है वाटर सप्लाई को किसके ज़रिए करेंगे हम लोग जो पेपर टॉवल हम लोग यूज़ किए हैं उससे या फिर फुट पैडल से ताकि क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें तो पहला स्टेप जो है वो क्या है रब पाम टुगेदर पाम टू पाम हम लोग को हैंड को पहले रब करना है सोप अप्लाई करने के बाद हैंड वेट करने के बाद सोप अप्लाई करने के बाद क्या करना है रब करना है पाम्स को सेकेंड है रब द बैक ऑफ बोथ हैंड ठीक है पाम टू पाम करेंगे फिर बैक टू पाम करेंगे फाइव टाइम्स फिर हैं इंटरलेस फिंगर एंड रब द हैंड टूगेदर थर्ड स्टेप क्या है इंटरलेस करना है फिंगर्स को एंड रब द हैंड टूगेदर स्टेप वी हैव टू परफॉर्म इन फाइव फाइव स्टेप इंटरलॉक फिंगर एंड रब द बैक ऑफ फिंगर ऑफ बोथ हैंड ठीक है फोर्थ में क्या है इंटर लॉक करना है फिंगर इंटरलॉक करेंगे एंड रब द बैक ऑफ फिंगर ऑफ बोथ हैंड यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ स्टेप फोर देन स्टेप फाइव रब हैंड इन अ रोटेटिंग मैनर फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थाम ठीक है इसमें क्या है रोटेट थम रब करना है थाम को इन रोटेटिंग मैनर में ये भी हम लोग को सबको जो भी स्टेप्स हम लोग करेंगे वो फाइव फाइव टाइम्स हम लोग को ईच हैंड में करना है तो सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हुए हैंड को थाम uh, को क्लीन करना है फिंगर्स को क्लीन करना है ठीक है फिर सिक्स में क्या करेंगे रफ फिंगर टिप ऑन पाम फॉर बोथ हैंड फिंगर टिप्स को क्लीन करेंगे बोथ हैंड का फिर सेवन में क्या है रब बोथ ब्रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर एंड ड्राई थ्रू एंड ड्राई थ्रूली और फिर क्या करना है हैंड को ड्राई करना है Perform? Hand hygiene, hand wash. Dispense appropriate amount of hand rub or soap in palm. Ensure all hand surfaces are covered. Rub hands palm to palm. Right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa. Palm to palm with fingers interlaced. Back of fingers to opposing palm with fingers interlocked and vice versa. Rotational rubbing of left palm claps in right palm and vice versa. Rotational rubbing backwards and forwards. We clap fingers of right hand in left palm and vice versa. Wrap right hand over left wrist using rotational movements up to mid forearm and vice versa. Rinse hands bending at elbow. Rinse off soap from fingertips to wrist. Use clean towel to pat hand dry from fingertips to wrist.